खबर 24 न्यूज, सच वही जो दिखेगा। सलाम जोहार, चलते चलाते आज हम आए हैं जो कांग्रेस के हजारीबाग जिला उपाध्यक्ष और बरही विधानसभा क्षेत्र के मीडिया प्रभारी डॉक्टर निजामुद्दीन अंसारी से। और आज हम इनसे जानकारी लेते हैं कि जो पूरे भारत में लॉकडाउन की जो स्थिति है और जो उस स्थिति में जो गरीब लोग फंसे हुए हैं, जिनके पास राशन पानी की सुविधा नहीं है, तो उनके बारे में ये क्या विचार रखते हैं और किस प्रकार से सरकार जो है इस पे पहल कर रही है मदद की, वो हम उनसे जानकारी लेते हैं। डॉक्टर साहब, आप देर से बताएं। देखिए, जहाँ तक लॉकडाउन का मामला है, पूरे विश्व में जिस तरह से कोरोना रूपी महामारी फैला है, उसमें प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन का घोषणा तो बाद में किया, लेकिन इस महामारी को देखते हुए हमारे मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी ने पूर्व में ही झारखंड को लॉकडाउन कर दिया। हम लोग की सरकार इंटर स्टेट बस सर्विसेज को बंद किया और भारत सरकार के रेल मंत्री को उन्होंने पत्र लिख करके रेल यातायात जो झारखंड में रेल आती हैं उन रेलों के सवारियों को बंद किया। तो हम लोग पहले ही बंद कर चुके थे, हमारी सरकार पहले ही बंद कर चुका था ये चीज़ को। और जहाँ तक लॉकडाउन में मज़दूरों को फंसने की बात है, झारखंड में हमारा पूरी तरह से सेफ था और जो मज़दूर वर्ग हैं, झारखंड सरकार ने तमाम मज़दूर और बीपीएल परिवार के घरों में दो दो महीने का राशन की जो घोषणा हुई थी वो सब उपलब्ध हो रहा है। थानों से लेकर के मुख्यमंत्री का जो दाल भात योजना वगैरह है वो सारा कुछ चल रहा है। हर लोग लगे हुए हैं, हम लोग फोन से रात दिन लगे हुए हैं ताकि कहीं कोई गरीब मज़दूर भूखा नहीं रहे, कोई इलाज के बगैर नहीं रहे। हम लोग रात दिन सतर्क हैं, क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। और हम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि जो बाहर से आए हैं, अपने घर जाने से पहले वो बढ़िया से जांच कर लें, और क्वारंटाइन अगर होता है तो 14 दिन अलग रहें परिवार से। अगर घर भेजा जाता है चिकित्सकों द्वारा, प्रशासन के द्वारा, तो घर में अलग रहें। अगर उनको क्वारंटाइन किया जाता है तो सारी व्यवस्था हैं। हम लोगों ने अभी बरही में जेल को क्वारंटाइन बनाया गया है, वहाँ सभी सुविधाएँ दी जा रही हैं। और जहाँ तक रहा पूरे भारत के लॉकडाउन का, हम एक बात ज़रूर बोलना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जो लॉकडाउन किए वो सही था उनका निर्णय, जिस तरह महामारी हुआ है। लेकिन जो सुविधा होना चाहिए था वो उपलब्ध नहीं हो पाया केंद्र के द्वारा। अब थोड़ी सी बात आई है, जो विदेशों से पहले लाया गया उनके पास वीज़ा देने वाली सरकारें होती हैं, और भारत सरकार के पास सभी विदेशियों का लिस्ट होता है जो हमारे देश में आ रहे हैं। फिर हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर इतने विदेशी लोग कैसे आ गए, चाहे वो कोई हो। निजामुद्दीन मरकज़ की बात चल रही है, चलिए मानते हैं कि निजामुद्दीन मरकज में एक जगह लोग खड़े थे, अचानक लॉकडाउन होने से सभी लोग फंसे हैं, जहाँ तहाँ फंस गए, मजदूर फंस गया, जो जहाँ था वहीं फंस गया। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कि जो जहाँ हैं वहीं रुक जाएंगे, तो जो जहाँ थे वहाँ रुक गए। और ये ड्यूटी था लोगों को कि देखना था जिन लोगों ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है, निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई किसी जातीय विशेष पर नहीं हो, कोई जात और धर्म कोरोना नहीं देख रहा है। कोरोना एक महामारी है जिससे विश्व के 200 देश लगभग इससे लड़ रहे हैं, और 200 देशों में अमेरिका, चीन जैसे शक्तिशाली देश भी हैं। लेकिन आज तक हमारे चिकित्सकों को केंद्र सरकार, 3 बार प्रधानमंत्री आए राष्ट्र के नाम संबोधन में, लेकिन एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि हम चिकित्सकों को कितना सुविधा दे रहे हैं। हमारे टोटल चिकित्सक, नर्सेज, तमाम स्वास्थ्यकर्मी आज जान हथेली पर लेकर काम कर रहे हैं। हमें चिकित्सकों से बात हो रही है हम लोगों की,
लेकिन चूंकि ये फंड सफिशियंट नहीं है, ना तो उनको ग्लव्स उपलब्ध हो पा रहा है, ना उनको मास्क उपलब्ध हो पा रहा है। ये बात सब जानते हैं कि कोरोना की कोई दवा उपलब्ध नहीं है। और सरकारी फंड में बहुत सारे जो स्टार है और भी है सब प्रधानमंत्री फंड में डाल रहे हैं, तो वो पैसा कहाँ इस्तेमाल होगा या किया जाएगा वो बताइए। ये तो प्रधानमंत्री केयर फंड में जो लोग डाल रहे हैं वो ही बता सकते हैं, लेकिन अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अब स्वयं जो है लोगों को खुद खाना खिला रहे हैं। अभी प्रेम जी ने 11,500 करोड़ रुपया जो देने की घोषणा किया है, उन्होंने कहा कि मैं स्वयं उन गरीबों तक पहुंचाऊंगा। उनका जो विप्रो संस्था है वो खुद कह रहा है कि हम खुद पहुंचाएंगे। मैं भी कहता हूं कि जिन्हें भी देना है, अगर 500 भी देना है, तो आप अपने पड़ोसी को देखिए, अपने गांव को देखिए, 500 रुपये की मदद उस गरीब को कीजिए जो भूखे मर रहा है। हजारों नहीं लाखों लोग दिया है कि 1000 बसों में भरकर झारखंड और बिहार के मजदूरों को बिहार के बॉर्डर पर ला करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने छोड़ने का काम किया। वो मजदूर आज टैंक लोरियों में भर करके और वो टैंकरों में भर करके ये सभी जगह छुप छुप कर आ रहे हैं। आखिर उन मजदूरों का क्या दोष है? मजदूर वर्ग का हित की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार, हम कोई आरोप नहीं लगाना चाहते, लेकिन वो भी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने इंतजाम क्यों नहीं किया? हमारे झारखंड से तो कोई आदमी बाहर नहीं गया, वहाँ से आ रहे हैं लोग, तो हम अपने लोगों को तो भगा नहीं देंगे। फिर भी हमारे मुख्यमंत्री ने जिला को सील किया है, बॉर्डर को सील किया है, हम अपने ही लोगों को क्वारंटाइन में रख रहे हैं, हम उनको खाना खिला रहे हैं। हमारी सरकार तत्परता के साथ लगी हुई है। और झारखंड सरकार में जो है राज्य में जितने भी क्वारंटाइन जो बाहर से यात्री आए हैं, सरकार उनके लिए क्या सुविधा दे रही है? बाहर से जो यात्री हमारे यहाँ फंसे हैं उनकी तैयारी पूर्ण मुकम्मल है। पूरे आला अधिकारी, तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी लगे हुए हैं। हमारे SDO, हमारे बढ़ी में जिस तरह से SDO हजारीबाग की जो SDO हैं वो रात दिन लगे हुए हैं, स्वास्थ्य कर्मी लगे हुए हैं, हमारे थाना कर्मी लगे हुए हैं, थानों में खाना चल रहा है। और एक भी शिकायत इस तरह की नहीं आई कि झारखंड में कोई ऐसी अव्यवस्था है जहां लोगों को खाना नहीं मिल रहा। अगर आप लोग पत्रकार हैं, वैसी कहीं सूचना मिलती है तो ज़रूर हम लोगों को, और मुख्यमंत्री तो ट्विटर पर भी हैं, आप ट्वीट करेंगे, मुख्यमंत्री उसका तुरंत संज्ञान ले रहे हैं। हम ऐसे हालत से गुजर रहे हैं, झारखंड एक गरीब राज्य है, बिहार एक गरीब राज्य है। हम प्रधानमंत्री जी से मांग करना चाहते हैं कि झारखंड और बिहार को ऐसे विपत्ति के हालत में स्पेशल पैकेज दें, ताकि हमारी सरकार विशेष व्यवस्था करे और हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को उसको सुविधा दे सके, राज्यों के साथ भेदभाव न करे केंद्र ऐसे महामारी में। सिर्फ ताली बजाने से, थाली बजाने से और मोमबत्ती जलाने से नहीं होगा, यहाँ मास्क देना होगा, यहाँ सैनिटाइजर देना पड़ेगा, यहाँ स्वास्थ्य कर्मियों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। हम उनका ये घोषणा कि एक साथ करें, ये ठीक है, साइकोलॉजिकल मामला है। प्रधानमंत्री जब भी आते हैं तो 3 बार में कभी नहीं कहा उन्होंने, 15,000 करोड़ रुपया का उन्होंने घोषणा किया, 15,000 करोड़ रुपया हम वेंटिलेटर्स के दे रहे हैं, तमाम इक्विपमेंट्स के दे रहे हैं। आप बताइए कि 15,000 करोड़ रुपया इस भारत जैसे राज्य के लिए, इतना विशाल राज्य के लिए क्या है? आज तक मास्क नहीं मिला पैसे के अभाव में, इसलिए केंद्र सरकार जल्द से जल्द सभी राज्य सरकारों को तो सुविधा और मुहैया कराए, पैसा दे। मोमबत्ती तो हम जला लेंगे, हम टॉर्च भी जला लेंगे, हमें जो भी कहेंगे कर लेंगे। हमको ये समय याद आ रहा है कि राहत इंदौरी साहब ने एक शेर कहा था, झूठ बोलिए सच बोलिए, अपनी तकरीर जारी रखिए, इन दिनों मालिक हैं बाजार के आप, जो चाहे कीमत हमारी रखिए। आज कौन सा ऐसा गांव है, कौन सा ऐसा शहर है जहां लोग परेशान नहीं हैं? इस परेशानी में भी हम राष्ट्र के लिए,
समर्पित हैं राष्ट्र के लिए, जो प्रधानमंत्री कहेंगे हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन सुविधाएं मुहैया कराएं। अमेरिका ने अभी लॉकडाउन नहीं किया, लॉकडाउन करने से पहले तैयारी कर रहा है, तमाम बेरोजगारों को वो भत्ता देने की बात कर रहा है, एक आदमी पर 72,000 रुपये वो देने की बात कर रहा है, बच्चों को हर बच्चे को 37,000 रुपये देने की बात कर रहा है, आज ही BBC लंदन का न्यूज है जी। अमेरिका में जिस प्रकार से पूरा महामारी फैल गया है, उस हिसाब से हमारा भारत तो बहुत ही अच्छा है, तो ये लॉकडाउन का कहीं ना कहीं कुछ असर है? लॉकडाउन का असर है, हम इसको इनकार नहीं करते हैं, भारत में तो बीमारी आती ही नहीं, अगर इसे जनवरी में लॉकडाउन कर दिया जाता, इंतज़ार किस बात का की गई थी, दिसंबर ही में ही हुआंग में केस आ गया था और दक्षिण कोरिया ने लॉकडाउन कर दिया था जनवरी में, हमको भी करना चाहिए था। और झारखंड में तो हम इसलिए बच गए, एक दो केस आया है, वो भी मलेशिया के एक महिला है और एक हजारीबाग का वो कोई लड़के का है, लेकिन बाकी पूरा झारखंड सेफ है। ही अच्छा है, तो ये लॉकडाउन का कहीं ना कहीं कुछ असर है? लॉकडाउन का असर है, हम इसको इनकार नहीं करते हैं, भारत में तो बीमारी आती ही नहीं, अगर इसे जनवरी में लॉकडाउन कर दिया जाता, इंतज़ार किस बात का की गई थी, दिसंबर ही में ही हुआंग में केस आ गया था और दक्षिण कोरिया ने लॉकडाउन कर दिया था जनवरी में, हमको भी करना चाहिए था। और झारखंड में तो हम इसलिए बच गए, एक दो केस आया है, वो भी मलेशिया के एक महिला है और एक हजारीबाग का वो कोई लड़के का है, लेकिन बाकी पूरा झारखंड सेफ है। ये मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा कदम था जिससे झारखंड बच गया है, और आने वाला दिन में झारखंड में बचे, हम तमाम लोगों का ये प्रयास होगा। और लॉकडाउन को इनको जनवरी में नहीं किए थे, कम से कम फरवरी के फर्स्ट वीक ऑफ में कर देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। अब कैसे नहीं किया, जब चारों तरफ आ गया, विदेशी सभी लोग आ गए, तमाम लोग आ गए, जब महामारी फैलने लगी तब जाकर लॉकडाउन हुआ। चलिए, हम इस मौके पर हम कुछ राजनीति नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम उनसे आग्रह करेंगे प्रधानमंत्री जी से कि हमारा राज्य गरीब है। आज क्या हुआ, मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री जी सलाह ले रहे थे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री को बोलने का मौका नहीं दिया गया। आखिर आप मुख्यमंत्रियों से नहीं बोलने का मौका उनको देंगे तो राज्य के बारे में कैसे जानकारी मिलेगी आपको? आपको जानकारी लेना है तो मुख्यमंत्रियों से पूछना पड़ेगा, क्या संसाधन है मेरे पास, हम कैसे चल रहे हैं, हमारा राज्य की जनता ऐसे ही गरीब है, कोई ऐसा जगह नहीं है हिंदुस्तान का जहां पर झारखंड और बिहार के लोग जाते नहीं नौकरी करने के लिए, बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, बिजनेस करने नहीं जाते हैं, इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। हम बॉम्बे हमारा नहीं है, हम दिल्ली में नहीं रहते हैं, हम बिहार और झारखंड में रहते हैं जो पिछड़ा राज्य है। पिछड़े राज्यों के साथ प्रधानमंत्री जी आप स्पेशल पैकेज दीजिए ताकि हम अपने तमाम लोगों को अधिक से अधिक सुविधा राज्य सरकार दे सके। और झारखंड में दो केस हैं और हमारे ज़िला जो हज़ारीबाग है उसमें एक केस मिल चुका है, तो अब इसको ना बढ़े कोरोना को, तो उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इसके लिए हम सिर्फ यही कहेंगे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने जिस दिन से लॉकडाउन का घोषणा किया, मैं अपना मेन गेट नहीं खोला हूं और मैं घर से बाहर नहीं निकला हूं, सड़क पर नहीं गया हूं, उसी तरह से मैं आग्रह करता हूं तमाम लोगों से कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए और घरों से बाहर मत निकलिए। जब तक ये मामला सही नहीं हो जाता, सरकार कोई निर्णय नहीं ले लेती है, तब तक आप घर में रहिए, परिवार के लिए रहिए, समाज के लिए रहिए, देश के लिए रहिए। एक बार ये बीमारी पूर्ण रूप से फैल गया तो हम चीन नहीं हैं, हमारा देश अमेरिका नहीं है, हमारा देश चीन नहीं है, हम दक्षिण कोरिया नहीं हैं, जापान नहीं है, जर्मनी नहीं है, हम गरीब देश में रहते हैं। इसलिए तमाम लोगों से आग्रह है कि वो दाल भात नहीं मिले तो माड़ भात खा के रहिए। आपको सारी सुविधाएं सरकार देने का प्रयास कर रही है, दो दो महीने का चावल भी दिया गया है, कुछ और सुविधाएं हो रही हैं, जिनको नहीं कुछ हो रहा है हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, हर मुखिया हमारा लगा हुआ है, हर बुद्धिजीवी लगा हुआ है, और पत्रकार बंधु जिस तरह आप लोग काम कर रहे हैं, ऐसे कोरोना महामारी में भी हम तमाम पत्रकार
और मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। ईश्वर और अल्लाह इसका आपको अज्र देगा। और हम यही संदेश देंगे कि जो दुकान उकान खुलता है जिस समय, प्रशासन जो इजाज़त देता है, एक आदमी घर से निकलिए, सामान लाइए, उन सामानों को भी आप सेंटराइज कीजिए। यदि वो सामान कुछ हैं ऐसे, उन सामानों को मैं क्या करता हूँ, सामान मंगा रहा हूँ, और हम लोगों को भी कहते हैं सामान मंगाइए, आप डिटोल को पानी में डालिए, उसको कपड़ा में भिंगाइए, अगर सर्फ का पैकेट है तो सर्फ के पैकेट को ऊपर का पूरा भाग को उसको पोछिए। आप पैकेट का सामान अधिकांश मंगाइए, खुला हुआ आलू है आप उसको कम से कम 24 घंटे धूप में छोड़ दीजिए, आप प्याज को धूप में छोड़ दीजिए, लहसुन को धूप में छोड़ दीजिए जो बाहर से मंगा रहे हैं आप। और ये बहुत अच्छा मौका है, अपना छोटा मोटा अगर कुछ बागवानी है तो आप उसमें कुछ कीजिए, काम कीजिए, अपना समय बिताइए, कुछ पढ़िए लिखिए। ऐसे विकट परिस्थिति में जब राष्ट्र आ चुका है तो हम सभी को मिल करके इसका समाधान भी निकालना होगा और हमें इसे भगाना भी होगा। हम इस जंग को जीतेंगे, इसी आशा और उम्मीद के साथ उम्मीद करता हूँ कि बरही हमारा राज्य, हमारा जिला, हमारा सुरक्षित रहेगा। हमारे मुख्यमंत्री बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमारे तमाम पदाधिकारी अच्छे काम कर रहे हैं, राज्य के तमाम जो लोग मीडिया कर्मी हैं सभी लोग आज से काम कर रहे हैं। हम सबों को धन्यवाद देते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद।